Hey, hello everyone, how are you? Good evening, welcome back. सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे सुपर अमेजिंग चैनल जस्ट नीट डेली लाइफ पर, वेयर यू लर्न एंड इवेल्यूएट थ्रू कंसेप्ट एंड क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ आर यू? सर वी आर सुपर अमेजिंग, हम बहुत अच्छे हैं. तो चलें यार, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए लेकर क्या, एक सुपर अमेजिंग लाइव क्विज. जी हाँ, क्या करने वाले हैं आज, हम देखने वाले हैं हमारी एक सुपर अमेजिंग लाइव क्विज. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर एनिमल किंगडम वाले पार्ट में क्या है, थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है ना, वी हैव 20 क्वेश्चंस. अगर ये 20 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. एनिमल किंगडम जो एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस चैप्टर को दो दो महीने पढ़ाया जाता है. आई डोंट नो वाई बट पढ़ाया जाता है, बट दो महीने इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल तक क्या कर लेनी है, चीज़ें कर लेनी है, और उसके बाद क्या करना है आपने, द नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो क्या करना है आपने, थोड़ा सा बस बाहर से पढ़ लेना है. सर कितना बाहर से पढ़ना है वो आपको इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको तुरंत क्या आ जाएगा बेटे, समझ आ जाएगा. ठीक है, तो चलें तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. एंड हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना ये वाला सुपर अमेजिंग सेशन. ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ओके मेरी चलें, गुड इवनिंग विजय वर्गीय, ठीक है, एंड उमनिया अंसारी, गुड इवनिंग बेटे, दोनों को गुड इवनिंग. सो क्वेश्चन नंबर वन इज कमिंग, क्वेश्चन नंबर वन इज हेयर. तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो मुझे हमेशा करनी चाहिए, ठीक है ना, और मैं करता भी हूँ, दैट इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप. यस, यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. व्हाई सर, व्हाई वी हैव टू डाउनलोड इट? सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करना है, बिकॉज आई एम कमिंग ऑन संडे. मैं संडे को आप लोगों के लिए आ रहा हूँ कहाँ पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. ठीक है, देयर विल बी अ स्पेशल क्लास, मेरी स्पेशल क्लास उस पर होने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे क्या करें, उस स्पेशल क्लास को अटेंड करें. सर आप क्या पढ़ाएंगे उस स्पेशल क्लास में, तो आप सुन लेना, इस स्पेशल क्लास में मैं प्रोबेबली, अभी तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का जो चैप्टर है हमारे पास, क्लास 12th का सबसे मुश्किल सबसे बड़ा चैप्टर माने जाने वाला, वो मैं पढ़ाऊँगा. तो आपने ज़रूर क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है. ठीक है, और सर हम आपको मिलेंगे कहाँ पर, जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, व्हेन यू विल बी ऑन दी लॉग इन योर सेल्फ, देन यू विल हेयर सी द स्पेशल क्लास. तो मैं इन स्पेशल क्लास वाले पार्ट पे आपकी क्लास ले रहा हूँगा, बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उससे पहले कोई क्लास चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दी प्लस. आप प्लस पे जा सकते हैं, प्लस पे जाने के बाद यू विल गो टू द नीट पार्ट, एंड नीट पार्ट पे आने के बाद यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन. आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, और मैथ्स है तो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर. ठीक है, अच्छा नीट पे तो मैथ्स नहीं मिलेगा. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्लान्स, अगर आप देखेंगे तो 1 month प्लान, 3 month प्लान, 6 month, 12 months एंड 24 months प्लान. तो यू हैव टू गो फॉर 24 months प्लान, बिकॉज दिस प्लान इज हमारे पास क्या है, सबसे बढ़िया है. ठीक है जी, एंड आप क्या करेंगे, प्लान लेते हुए ध्यान रखेंगे, यू हैव टू यूज़ माई नेम. आपको क्या करना है, आपको मेरा नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, विशेष, VISHESH. ठीक है, यू हैव टू यूज़ दिस एज दी डिस्काउंट. यस, अगर आप उसको पुट करके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली गेट 10% डिस्काउंट. तो ये वाली बात रही हमारे पास. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पास जो आ रहा है कि हमारे पास सुपर अमेजिंग क्विज सेशन. तो क्वेश्चन नंबर वन इज हेयर, यू विल गेट 30 seconds टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलें हमारे पास, चलें स्पीड में. ओके. ठीक है, तो क्वेश्चन वन हमारे पास आ चुका है और हमारे पास टाइम भी काफ़ी निकल चुका है. व्हाट इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी चीज़ बिल्कुल करेक्टली मैच है हमारे पास. चलें जी आंसर देंगे, अर्नब विश्वास हैं, फ्यूचर मेडिको हैं, चौधरी विक्रम हैं, उमनिया अंसारी हैं, 7 series हैं, और हमारे पास विजय वर्गीय हैं. सो द टाइम इज़ अब, टाइम हमारे पास क्या हो रहा है जी, पूरा हो जा रहा है, और देखते हैं हमारे पास कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है. ओके, तो मुझे यहाँ पर किसी बच्चे का आंसर अभी तक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना. अच्छा आंसर दिया है हमारे पास, अंशुमन पांडा ने हमारे पास आंसर दिया है, राजेंद्र झा ने आंसर दिया है, वैष्णवी दीक्षित ने आंसर दिया है, और अंजलि कुमारी ने आंसर दिया है.
तो हमारे पास ये सारे आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं ऑप्शन ए में, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी है और कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर सी है। तो ज़रा हम क्या करते हैं, इसको हम एक बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है कि प्लैटी हेलमिंथस, कुछ जो बच्चे आंसर दे रहे हैं प्लैटी हेलमिंथस मतलब ऑप्शन बी। तो प्लैटी हेलमिंथस में क्या कह रहे हैं, हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है जी। हमारे पास ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास डिप्लोब्लास्ट। अच्छा कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं आंसर, अरे हाँ या ना, ठीक है ना। गोपिका पी प्रसाद कह रहे हैं सर इसका आंसर सी हमारे पास। अंशुमन पांडा कह रहे हैं इसका आंसर ए है हमारे पास, ठीक है। तो उसको समझते हैं, ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए में हमारे पास पॉलीफेरा दे रखा है, पॉलीफेरा में दे रखा है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो यार आंसर क्या हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है जी, पक्का ओके। फिर हम आते हैं इस पर, यहाँ पर हमारे पास जो बी दे रखा है, तो बी में हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन लेवल हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाली बात बिल्कुल और बिल्कुल ठीक तरीके से दे रखी है, और हमारे पास है टिप्लो ब्लास्टिंग है, ये वाली बात भी ठीक है। मोलस्का में हमारे पास कैसी दे रखी है, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल हमारे पास, यहाँ पर हमें यहाँ पर एज सच कुछ डायरेक्ट सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिला करती है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर टू, हम क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। तो हमारे पास टाइम क्या हो चुका है, टाइम हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अर्णव विश्वास बेटे आंसर दो क्वेश्चन नंबर टू का, चले 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 स्पीड में बच्चे आंसर दे रहे होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइलम, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और आपने इस हिसाब से करना है, आपने इसके हिसाब से करना है आंसर देना है। अंशुमन पांडा बेटे क्या आंसर है इसका, चले जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, जस्ट लाइक द वीडियो और आंसर भी देंगे, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू एंड सून। हमारे पास जी टाइम क्या हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है पक्का, बढ़ जाएँ आगे ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड का बी बच्चों ने आंसर दिया है, खुशी चोपड़ा ने भी आंसर दिया है, संगीता गोयल ने आंसर दिया है, उमनिया अंसारी ने आंसर दिया है। तो ज़रा देखते हैं, कहते हैं हमारे पास टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, रेडियली सिमेट्रिकल है ओके। सिलिएटेड कॉम है, अगर सिलिएटेड कॉम यहाँ पे आ गए तो मैं आप आगे पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सिलिएटेड कॉम्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा, कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास, ये टीनोफोरा में ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, और सबसे पहले जो आंसर हमारे पास बी दिया है वो किसने दिया हमारे पास, सेकेंड का आंसर बी, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने दिया है। तो सबसे पहले आंसर दिया हमारे पास किसने, खुशी चोपड़ा ने, किसने दिया है जी, खुशी चोपड़ा, शाबाश बेटे, नाम बड़ा खतरनाक है आपको, खुशी चोपड़ा, ठीक है चलें, ठीक है ना, नाम ऐसा लगता है कुछ दम है, खुशी चोपड़ा ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, यू हैव 30 seconds, चलें, थ्री का आंसर चलें फटाफट देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर टोटिपोटेंट, इनमें से कौन से सेल्स हमारे पास टोटिपोटेंट हुआ करते हैं, चलें बताएं इनमें से कौन से सेल्स हमारे पास टोटिपोटेंट हुआ करते हैं, ठीक है। टोटिपोटेंट मतलब कि दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेटिव कैपेसिटी, ये रीजनरेशन कर सकते हैं, जो रीजनरेट कर सकते हैं हमारे पास, चलें बताएं। टाइम इज अप, टाइम पूरा हुआ हमारे पास। राजेंद्र झा खुशी चोपड़ा हंस रही हैं, उमनिया कह रही है इसका आंसर सी है हमारे पास, ओके बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरी वीडियो तो नहीं अटक रही ना, यस अभी हमने क्या करा, हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं सेटअप के अंदर, मेरी से पुरानी वाली वीडियो अटक गई थी जो 6 बजे में आता हूँ, ठीक है ना, आप उस टाइम को बेटे बांध लें, ठीक है ना, कि विशेष सर कम्स एट 6 PM एंड ही कम्स एट 8 PM, ठीक है, ये दो हैं हमारे पास। 6 PM हमारे पास रेगुलर सेशन क्लास होती है और 8 PM में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज, हमेशा और हमेशा, ठीक है। चलें तो सभी बच्चों ने क्या करा, सभी बच्चों ने आंसर अच्छे से दिया है, ठीक है बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया हमारे पास। तो देखते हैं कि आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है जो टोटिपोटेंट सेल है हमारे पास वो है हमारे पास आर्कियोसाइट्स हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके पास रीजनरेट करने की क्या हुआ करती है, कैपेसिटी हुआ करती है, एंड दे आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द हमारे पास जो हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास कोनोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास कोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बिल्कुल साथ में ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट ये हुआ करते हैं सपोज इस तरह से, ठीक है, और ये एनगल्फिंग का काम करते हैं। सो दीज आर बेसिकली दी आर्कियोसाइट्स, तो यहाँ से जो भी ये फूड पार्टिकल को उठाते हैं उस फूड पार्टिकल को ये कोनोसाइट्स क्या करा करते हैं, ख़त्म किया करते हैं, खाया करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और ज़रा देखते हैं ऑप्शन सी सबसे पहले किसने दिया हमारे पास, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सी दिया है, तो थ्री का आंसर हमारे पास सबसे पहले दिया है किसने, राजेंद्र झा ने, किसने दिया है जी, राजेंद्र झा।
झा ने, इस बच्चे ने कल परसों भी आंसर बहुत अच्छे दिए थे, ठीक है ना, गुड। राजेंद्र आप मुझे टैग करेंगे कहाँ पर, मेरी हमारी जो आईडी है मेरा, आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे टैग कर सकते हैं एट विशेष अंडरस्कोर अनअकैडमी पर, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे, राइट गुरु जी, ठीक है, चलें क्वेश्चन फोर पर आते हैं। यू विल हैव 4 सेकेंड्स, यू विल हैव 30 सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है ना, बहुत ही एक लॉन्ग एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा सवाल है हमारे पास, चलें चलें चलें, एक्सटेंसिव क्वेश्चन मैच करेंगे, आपको मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आ रहे हैं हमारे पास, चलें 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 जी चलें, फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, कोई बच्चा मेरी तरह यहाँ पे कर दे रहा है कम, वो टाइप कर दे रहा है क्वेश्चन आने से पहले, कौन है बच्चा ये, 4443333 टाइप कर देता है भाई चलो अच्छी बात है, ठीक है ना, वैसे मेरा काम है यार, मुझे टाइप करना चाहिए ये सब कुछ, मैं टाइप करता हूँ इसको। तो फोर्थ का सबसे पहले हमारा दिया किसने, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पर, ये चैप्टर तो एनिमल किंगडम चल रहा है, यस यस यस, बच्चों ने आंसर दे दिया, बच्चों ने आंसर दिया इसका फिर से सी, और सबसे पहले हमारे पास दिया है उमनिया अंसारी ने, राशिका ने, रोहन ने, कृष्ण, अंशु चौधरी, वैश्वी दीक्षित, खुशी चोपड़ा, मयंक मिश्रा, अंशुमन पांडा, कार्तिक अग्रवाल, सगारिका चौधरी, श्रेयस कामले, अंशुमन पांडा फिर से, राजेंद्र झा, मयंक मिश्रा, अंजलि कुमारी, वैष्णवी दीक्षित, राज मिश्रा, ओके, अर्णब विश्वास, इन सब बच्चों ने क्या करा है, इन सब बच्चों ने इसका सही आंसर हमारे पास दिया है। तो चलें जी क्या करते हैं इसको, हम फटाफट इसको एक बार करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, हेरोडिन, हेरोडिन क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं हेरोडिन इज अ नेम ऑफ लीच, ये क्या हुआ करती है हमारे पास, लीच हुआ करती है, तो ए मैच कर रहा है किससे, थ्री से, ओके, तो ये किससे मैच कर गया हमारे पास, थ्री से मैच कर गया। और कैनाल सिस्टम हमें पता है किसमें प्रेजेंट होता है, पॉलीफेरा में प्रेजेंट होता है, मतलब कि स्पॉन्जी से प्रेजेंट होता है, तो ये मैच करेगा हमारे पास किससे, फोर से, ठीक है ना। नेमेटोसिस्ट, फेदर स्टार और इंसेक्ट्स, ये हमारे पास बाकी दे रखे हैं, बट अगर मैंने दो निकाल लिए हैं तो मैं बाकियों को मैच नहीं करूंगा, बस मैं इनको एक बार मैच करके देखता हूं कि क्या कैसे मैच कर रहा है। हेरोडिन थ्री पर है, ए का थ्री, और कैनाल सिस्टम बी का फोर, तो हमारे पास इस तरह बोल सकता, दो ही ऑप्शन है मैच, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी में, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। और सबसे पहले जो इसका आंसर दिया है हमारे पास फोर्थ का सी मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया किसने, राशिका जी ने, किसने दिया है, राशिका जी ने सबसे पहले का सही आंसर हमारे पास दिया है, एंड दैट्स वेरी गुड। चलें जी अब आते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, अब मैं खुद टाइप कर दूंगा, इससे पहले कोई और बच्चा टाइप करे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सो योर टाइम स्टार्टेड नाउ, यू हैव 30 सेकेंड्स, नाउ यू हैव 25 सेकेंड्स, ठीक है, चले आंसर दे, आंसर दे, आंसर दे, फटाफट फटाफट फटाफट। पूछा क्या कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक से पढ़ लेना जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है, चलें, ओके, चलें चलें चलें। क्वेश्चन नंबर फाइव, टाइम इज अप, टाइम हमारे पास ख़त्म होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि बच्चे आंसर दें, ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो मैं बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है हमारे पास, क्लोज हुआ करता है, ओपन हुआ करता है, क्लोज नहीं होता, तो यह स्टेटमेंट क्या हमारे पास रॉन्ग है। इसके अलावा देख लेते हैं, कह रहा है कि पैरापोडिया इन दी एनलीड्स हेल्प इन स्विमिंग, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है हमारे पास, लाइन है बेसिकली। फिर यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है, वो हमारे पास मोलस्का ही है, ठीक है। और फिर कह रहा है एस्केलेमेंथिस आर डाइशियस, बिल्कुल ठीक है, इसमें जो मेल्स होती हैं, ठीक है ना, मेल्स क्या होते हैं, मेल्स छोटे हुआ करते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बड़े होती हैं, ये वाली बात, तीनों ही बातें ठीक हैं। तो एकमात्र स्टेटमेंट जो गलत है वो कौन सी है, ए, तो ओनली ए, ठीक है ना, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर इज नॉट ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आपने इसको ऐसे आंसर करना था, फिफ्थ का आंसर सी करना था, और फिफ्थ का आंसर सी जो हमारे पास दिया है वो दिया है सबसे पहले किसने, अस्तित्व यादव ने, किसने दिया है, अस्तित्व, अस्तित्व यादव जी ने सबसे पहले इसका आंसर हमारे पास दिया है, शाबाश, ठीक है। अस्तित्व, यू हैव टू टैग मी, आप मुझे टैग करेंगे इंस्टाग्राम पे विशेष अंडरस्कोर अनअकैडमी पे, ओके, बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टाइम हैज बीन स्टार्टेड, चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, चलें चलें चलें, फटाफट बताएंगे हमारे पास, बताओ यार, चलो 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 स्पीड में, चले, टाइम इज ऑलमोस्ट अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड,
चलें चलें चलें, टाइम इज अप और बच्चों ने इसका आंसर हमारे पास दे दिया है। जैसे कि एक मिनट मेरा ये बंद हो गया, इसको मैं फिर से चालू कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, यस। तो बच्चों ने आंसर, सबसे पहले आंसर जो हमारे पास दिया है वो बच्चे ने दिया सिक्स्थ का डी, राजेंद्र झा ने इसका सही आंसर दिया हमारे पास। और उसके बाद दिया हमारे पास आंसर किसने, सिक्स का डी। फिर दिया श्रेयस कामले ने, बी दिया है। मयंक मिश्रा ने इसका आंसर सी दिया है। सरिता रंजन ने इसका आंसर बी दिया है। कार्तिक ने भी दिया है। पल्लवी राय ने आंसर सी दिया है। चलो पढ़ लेते हैं, इतनी क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज कैरेक्टली मैच विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसको क्या बोल रहा है हमारे पास। ये कहता है कि एक्रोडरमेटा पेंटामेरस होते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है, रेडियल सिमेट्री है ये वाली बात, ठीक है, ठीक है ना। मोस्टली क्या हुआ करती है, मोस्टली इनके अंदर क्या हुआ करती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ करती है। अगर आप आएंगे किस पे, हमारे पास पेज नंबर, हमारे पास कहाँ पर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 पर, कहाँ पर आएंगे, अगर आप पेज नंबर 54 पर आएंगे तो बेटे आपको समझ आएगा कि इसका आंसर ए क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होती, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ करती है। सो द ए कैन नॉट बी द आंसर। ओके, चलें अब आते हैं किस पे, हमारे पास मोलस्का पे, किस पे आते हैं, इस पे हम मोलस्का पे आते हैं। तो मोलस्का में क्या कह रहा है, कहता है कि नॉर्मली ओविपैरस क्या करते हैं, हमारे पास ये अंडे दिया करते हैं, एंड द डेवलपमेंट थ्रू आ ट्रोकोफोर, किसके थ्रू हुआ करती है, ट्रोकोफोर के थ्रू हुआ करती है, इसको हम वेलिजर लार्वा भी हम क्या कहते हैं, कह दिया करते हैं। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, कहता है कि इनकी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इसको आप लार्वल स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा कि क्या होती है। बेसिकली लार्वल स्टेज में ये ट्रोकोफोर्स होते हैं, ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। ठीक है जी भाई, पक्का, हाँ या ना। सो दे आर प्रेजेंट, और इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली होता काम क्या होता है, ये इस तरह से क्या करते हैं, इसी तरह से ये आगे बढ़ा करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मोलस्का आर ओविपैरस, दे ले एग्स, क्या करते हैं, हमारे पास ये एग ले करते हैं, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द वेलिजर इज प्रोड्यूस फॉलोइंग इधर द एम्ब्रियोनिक और द ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज, ये एक लार्वल स्टेज है। ठीक है ना, जो किसमें होती है, जो बेसिकली जब ये प्लैंकटॉनिक कंडीशन में होता है, किसमें होता है, हमारे पास ये प्लैंकटॉनिक कंडीशन में होता है। ठीक है, प्लैंकटॉनिक लार्वा होता है, तो उसके लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं, हम ट्रोकोफोर कह दिया करते हैं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। ठीक है, पक्का, ओके, आगे आते हैं हमारे पास। आर्थ्रोपोडा में कह रहा है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हुआ करती है, ट्रैकिया के थ्रू हुआ करती है, ये वाली बात ठीक हो सकती है, बट ट्रैकिया के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, इसमें बुक लंग्स होते हैं, ठीक है ना, बुक गिल्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हुआ करती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पक्का। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। और देखते हैं ऑप्शन बी सबसे पहले किसने दिया है इसका, द करेक्ट आंसर इज, चलो 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 फटाफट बताओ, बी बी बी, फिफ्थ का बी, फिफ्थ नहीं है तो सिक्स्थ हमारे पास ना, ओके, सिक्स्थ का बी सबसे पहले हमारे पास दिया है, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये दिया सिक्स्थ का बी हमारे पास श्रेयस ने, किसने दिया है जी, श्रेयस कामले ने सही जवाब दिया है, शाबाश श्रेयस, गुड। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लाइक कर चुके हैं एक बार थम्सअप कर देंगे सभी लोग, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, बढ़ जाएं, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ कमिंग, और आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, चलें फटाफट बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ चुका है सेवन, और टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, चलें जी चलें फटाफट। हाँ, कार्तिक अग्रवाल कह रहे मैंने दिया था बेटे, एक्चुअली मुझे उनका आंसर पहले नज़र आया, और ये टाइम हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सेवन का आंसर हमारे पास बच्चे ने दिया है, प्रियांशु रंजन ने इसका आंसर दिया है डी। ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हमारे पास किससे, एक्रोडर्मेटा से है, तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, अस्तित्व यादव ने आंसर सेवन का सी दिया है, रिद्धि सिद्धि कुमारी ने इसका आंसर सी दिया है, अर्णब विश्वास ने ए दिया है, राजेंद्र झा ने ए दिया है, श्रेयस कामले ने सी दिया है, रोहन ने डी दिया है। ठीक है, तो अच्छा आंसर आ रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि इनसे हमें करेक्ट बताना था कौन सी चीज़ करेक्ट है, तो कहता है कि ऑल द मैरीन, एक्रोडर्मेटा के बारे में बात हो रही है ना, ओके, ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली बात ठीक है ना,
अडल्ट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल वाली बात गलत है, इनके जो अडल्ट होते हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री हुआ करती है, रेडियल सिमेट्री, तो वाली बात क्या हमारे पास गलत है, ठीक है ना, दे आर डायोशियस, क्या हुआ करती हैं, ये डायोशियस हुआ करती हैं। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें क्या होते हैं, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो दे आर डायोशियस, तो ये वाली बात भी क्या है, करेक्ट है। और फिर क्या रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व, नहीं, अभी अभी बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल ना होकर कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। सो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है, तो ए एंड सी आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है, पक्का। तो सेवन्थ का आंसर ए सबसे पहले किसने दिया है देख लेते हैं, सेवन्थ का आंसर सबसे पहले दिया है किसने, अस्तित्व यादव ने, ठीक है ना, उसके बाद ये हमारे पास किसने, अर्नब विश्वास। अर्नब बेटे आप वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, लास्ट ईयर मैं एक बैच पढ़ाता था उसमें बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से थे मुझे याद है, ठीक है, चलें बढ़े जाएं। क्वेश्चन नंबर एट इज कमिंग, हाँ, क्वेश्चन नंबर एट, चलें फटाफट, एक लॉन्ग आंसर, एक मतलब ये काफ़ी एक बड़ा ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आराम से पढ़कर आंसर देंगे आप इसको, चलें। स्पीड में, एट का आंसर, टाइम होने वाला है, यस, टाइम इज ऑलमोस्ट अप, करें, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप, ओके, टन, टाइम हो गया, ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं हमारे पास, कहता है कि निडो साइड जो है हमारे पास, अस्तित्व यादव फिर से, वैष्णवी दीक्षित ने आंसर दिया है और श्रेयस कामले ने, इन तीनों बच्चों ने आंसर दिया है, वैष्णवी ने आंसर दिया है सी, अस्तित्व यादव ने आंसर दिया है सी और श्रेयस कामले ने आंसर दिया है ए, ठीक है, ओके, अब आंसर हमारे पास बहुत स्पीड में आने शुरू हुए हैं। तो निडोसाइट्स क्या है हमारे पास, व्हाट आर निडोसाइट्स, तो हम जानते हैं कि निडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें हमारे पास, जो नाइडेरियंस होते हैं, किसमें, नाइडेरियंस प्रेजेंट होते हैं, तो आपने करना है बस आपने यहाँ पर ढूंढना है कौन सा हमारे पास एक नाइडेरियन है, ठीक है, तो जी मुझे बताओ इसका कौन सा हमारे पास एक नाइडेरियन है यहाँ पर, चलो बताओ हमारे पास, चलो स्पीड में बताओ यार, एट्थ का सी, अच्छा बच्चे आंसर दे रहे हैं हमारे पास, इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे जो पेनाट्यूला है, क्या है हमारे पास, जो पेनाट्यूला है फर्स्ट का, ठीक है ना, वो मैच कर रहा है किससे, पेनाट्यूला से, ठीक है, और किस लिए होती हैं पेनाट्यूला में, ये पेनाट्यूला में हुआ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज़ के लिए, दे आर मेंट फॉर, हाँ बोलो फॉर दी डिफेंस, ये डिफेंस के लिए हुआ करते हैं, ठीक है, तो निडो हमारे पास ये प्रेजेंट होती हैं किसमें, हमारे पास ए का सी और दे आर प्रेजेंट इन दी डिफेंस, तो ये मैच कर रहा है किसे, सेकंड से, ठीक है, चलें अब आते हैं किस पे, हमारे पास जो स्टैटोसाइट्स हैं, ठीक है ना, रेडियोला फ्लेम सेल्स, एक वो कर लेते हैं जो मेरे एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ओके, अभी चौहान क्या कह रहे हैं सर, प्लस पे कब आ रहे हैं सर, जल्दी बोलिए और कन्फर्म बता दीजिए, अच्छा चलो मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ बेटे, मैं प्लस पर आऊँगा आपके पास, ठीक है ना, मंडे से, कब से आऊँगा मैं आपके पास, मंडे से मैं आपके पास प्लस पे आऊँगा, ठीक है ना, मंडे उससे पहले मैं नहीं आ पाऊँगा, रीज़न क्योंकि जो मेरी पहली जो स्पेशल क्लास है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आनी है कब, स्पेशल क्लास विल बी ऑन संडे, कब होगी, संडे को स्पेशल क्लास होगी, और संडे को जब मैं आऊँगा, ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास मंडे आएगा और मंडे को फिर से मैं प्लस का आपका पार्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है, चलें अब आते हैं इस पे, हम अगर देखो मैं आपको एक दो मैच वर्क करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, वैसे तो हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर सी है, ठीक है, पर फिर भी हम बाकी भी ढूंढ लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं रेडुला की, तो रेडुला इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी, हमारे पास ये होता है किसमें, मोलस्का में, किसमें होता है, मोलस्का, तो आप एक काम करो उसमें से कोई मोलस्का ढूंढो, तो हमारे पास मोलस्का कौन सा आ रहा है, हमारे पास आ रहा है पाइला, ठीक है ना, ये पाइला हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो थ्री का मैच कर रहा है किससे, ई से, ठीक, और क्या काम होता है, ऐसा काम होता है आपने पढ़ा होगा, इट इज़ अ रास्पिंग लाइक ऑर्गेनिज और ऑर्गन, ठीक है ना, दैट हेल्प्स इन दी फीडिंग, ये करता है जो खाने में, माउथ के काम करता है, खाने का काम करा करता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीडिंग, तो आप इसको मैच करेंगे किससे हमारे पास, थर्ड से, तो आप इसमें से कोई भी दो मैच कर लीजिए, वैसे तो आपको ये मैच करते ही आंसर मिल जाता है, ए का सी उसका सेकंड, पर हमने फिर भी एक और मैच कर लिया कन्फर्मेशन के लिए कि थ्री का ई और उसका थर्ड, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था हमारे पास ये, और एट्थ का आंसर सबसे पहले जो सी दिया है हमारे पास, वो दिया किसने, अस्तित्व ने, किसने दिया है, अस्तित्व यादव ने सबसे पहले इसका सही आंसर हमारे पास दिया है, ठीक है, बढ़ें
चलें जी आगे आते हैं सर, फुल स्क्रीन पर आ जाइए प्लीज़। अच्छा आप उस पर कह रहे हो हमारे पास बोर्ड पे, बेटे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, ठीक है मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। आपके बैच में आप अश्विनी सर वगैरह होंगे? हाँ बेटे हम सभी लोग होंगे, ठीक है ना, हम एक बैच जो बनाएंगे उसमें हम सभी लोग आ रहे होंगे, ठीक है चलें। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, चलें फटाफट आंसर देंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहेंगे, ठीक है ना। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, एयर ब्लैडर, ऑपरकुलम और वीवी पैरिटी, ठीक है ना, वीवी पैरासोना, ये एक बोनी फिश में से कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सवाल पूछा गया है। हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर, चलें आंसर देंगे फटाफट, चलें। एयर ब्लैडर, ऑपरकुलम, वीवी पैरिटी, क्या क्या होता है? अस्तित्व यादव फिर से आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। बेटे इस बार यह गलत हो गई हो, अस्तित्व यादव, नाउ दिस टाइम यू आर रॉन्ग, अब आप गलत हो चुके हो, ठीक है। यस बाप बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, और आंसर सी जो दिया हमारे पास किसने दिया है, वो हमारे पास खादिजा तुलकू बरा ने दिया है। किसने दिया? खादिजा तुलकू बरा ने इसका आंसर दिया है, ठीक है शुरू करें। तो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि बोनी फिश में, ठीक है ना, किसी भी बोनी फिश में, जैसे कि आप ले लो रोहू की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, रोहू, काटला वगैरह, ठीक है। तो रोहू के अंदर क्या हुआ करता है, रोहू हैज़ एयर ब्लैडर, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है जो उसको क्या करता है, बायोन से प्रोवाइड करता है, इसमें से डूबती नहीं है, ये कंटिन्यूस स्विम करने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, ये आराम से चल सकती है, आराम से रुक भी सकती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि देयर गिल्स स्लिट्स आर कवर्ड विद दी ऑपरकुलम, इनकी गिल्स स्लिट्स कवर होते हैं किसी ऑपरकुलम से। तो दोनों ही बातें क्या है, करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मतलब ये दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ऑप्शन सी हमारे पास दिया है किसने, खादिजा ने। किसने दिया है जी, खादिजा जी ने सबसे पहले इसका सही आंसर हमारे पास दिया है, खादिजा तुलकुबरा ने सही आंसर दिया है, ठीक है बढ़ जाए आगे। हाँ या ना, अर्थक्वेक इन उड़ीसा, बेटे ध्यान रखो अपना, ठीक है ना, दम मत जाना, ठीक है स्टार्टिंग से पढ़ाई है ना सर, बेटे स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं, रोज ही तो पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। अंजलि कुमारी सर आप 11th 2022 के लिए कब से क्लास स्टार्ट करोगे? द क्लास फॉर नीट 2022 हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है क्लास, इसको मिस ना करें किसी भी सूरत में। ये जो क्लासेज हमारे पास ये रोज़ 6 बजे हो रही है, हमारे पास 6 PM सेशन चल रहा है, इसको मिस ना करें बिल्कुल भी, ठीक है चलें। ओके क्वेश्चन नंबर 10, चलें बताएं, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ध्यान रखना कि पॉरीफेरा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास किससे है, पॉरीफेरा से ही है। चलें फटाफट, यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें यार, ठीक है चलें। ओके कहता है कि कॉलर सेल्स आर कॉनोसाइट्स, बात सही है गलत है बताओ जी मुझे, सही है गलत है? किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया 10th का है, चलो अब आंसर देना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ने आंसर दिया कॉलर सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट्स, बात सही है गलत है हमारे पास, ये वाली बात की हमारे पास बच्चों ने आंसर दिया है डी, क्या दिया बच्चों ने आंसर हमारे पास डी दिया है। ओके कुछ बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं, बच्चों कन्फ्यूजन है, बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर या तो डी होगा या ए होगा, चलें जी चलें सोच समझ के आंसर देंगे इसका, हमारे पास स्पीड में मैं वेट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ओके आंसर आ रहे हैं चलें। ओके यस यस, फिर से थोड़ा थैंक कर गया था ये हमारे पास। साइनामॉर्फिस क्या होता है? साइनामॉर्फिस हमारे पास बेटे बेसिकली यहाँ पे बात जब करी आती है ना किसकी, गट की, किसकी बात करी जाती है हमारे पास,
गट की बात करी जाती है, खाने की जो जगह होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि हम साइनेपोमॉर्फिस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब हमारे पास पॉलीफेरा के पास कोई गट तो होती नहीं है, देर इज नो गट, तो ये गट किस, मतलब ये गट किसको रिजेंबल करती है, मतलब अगर गट इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली गट को रिजेंबल करता है, जो खाने का काम करता है, खाना पचाने का काम करता है। तो हम जानते हैं कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है, क्या है जो हमारे पास इसके अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम है, दैट वाटर कैनाल सिस्टम इज बेसिकली लाइंड विद, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो बेसिकली लाइंड होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। तो आप देखते रहना, दिस वाटर कैनाल सिस्टम इज बेसिकली लाइंड विद, दिस इज बेसिकली लाइंड विद द कोनोसाइट्स, और यही खाना खाने का, खाना उठाने का, खाना पचाने का काम ये किया करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो टेंथ का ए किसने दिया हमारे पास आंसर, रिद्धि कुमारी ने आंसर सही दिया है इसका। टेंथ का डी बच्चों ने आंसर दे रखा है, नहीं यार डी तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ए। कुछ बच्चों को इसका आंसर बी भी लग सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर हमारे पास कैनाल सिस्टम विथ पोर्स इन द बॉडी वॉल हो सकता है, तो आप सब गट भी मान सकते हो, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका आंसर यार देखो इसका आंसर हमारे पास कॉलर सेल्स ही जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर हमारे पास कॉलर सेल्स ही जाएगा, क्योंकि क्या होते हैं हमारे पास वो उससे लाइन हुआ करते हैं, ठीक है जी, पक्का। चलें बढ़ जाएँ हमारे पास, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन नंबर 11 इज कमिंग। चलें चलें चलें, स्पीड में स्पीड में स्पीड में आंसर देंगे सभी बच्चे, ओके 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 ओके। टेंथ का आंसर हमारे पास, चलें टेंथ हो चुका है हमारे पास, इलेवंथ इज कमिंग, इलेवंथ इज कमिंग, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में इनमें से क्या चीज हमें देखने को नहीं मिला करती है। एक बच्चा कह रहा है हमारे पास सर इलेवंथ क्लास कौन से डेज में होती है, बेटे इलेवंथ क्लास होती है आपकी मंडे टू सैटरडे, कब होती है आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास हुआ करती है, किस टाइम पर, 6 बजे एट 6 PM, ठीक है ना, आपको 6 बजे आना है, ठीक है ठीक है, और इलेवंथ क्लास आपने क्या करनी है, अटेंड करनी है। अभी चौहान प्लस पे स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा सर, आई एम वेटिंग इन प्लस प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑफ, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो जो बच्चे हमारे पास हैं हम सभी को क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ठीक है जी। चलें तो क्या कह रहे हैं, हेमिकॉर्डेट्स क्या है हमारे पास, हेमिकॉर्डेट्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या चीज़ एब्सेंट है हमारे पास, ठीक है, क्या चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, हमारे पास ट्राइपार्टाइट और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जी, देखने को हमारे पास क्या हुआ करती है, मिला करती है, ठीक है। क्या हमारे पास स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है, हाँ जी हमें यहाँ पर देखने को मिला करती है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या हमारे पास प्रोबोसिस ग्लैंड हमें देखने को मिलते हैं, हाँ जी सर हमें ये देखने को मिला करते हैं। तो क्या चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है क्या, एक नोटोकॉर्ड, क्या देखने को नहीं मिलती हमारे पास, यहाँ पर नोटोकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिला करती है, ठीक है जी, पक्का है, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। सर पल्लवी राय कह रही है सर प्लीज़ केमिस्ट्री का भी टाइमिंग बता दीजिएगा, जी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, केमिस्ट्री का भी टाइमिंग आपको मैं बिल्कुल और बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। प्रोबस ग्लैंड्स होते हैं, सब चीज़ें हुआ करती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं होती, हमारे पास रिडिमेंट्री कैनाल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और देखते हैं कि सी आंसर हमारे पास किस किस बच्चे ने दिया है, यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं फटाफट, टेंथ का सी, इलेवंथ का सी, बेसिकली इलेवंथ का सी सबसे पहले हमारे पास दिया है किसने, इलेवंथ का सी दिया है हमारे पास प्रियांशु रंजन ने, किसने दिया है जी, प्रियांशु रंजन ने इसका सही आंसर हमारे पास दिया है, ठीक है। बढ़ जाएँ आ जाएँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पर, सवाल नंबर 12 आ रहा है जी, ठीक है शुरू करें। तो इट इज़ हेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस, इनमें से कौन से हमारे पास क्या है जॉलेस फिशेस हैं। चलें स्पीड में मैं आपके लिए सवाल फिर से पढ़ देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस। चलें चलें चलें, हम जानते हैं कि जॉलेस फिशेस जो होती हैं किसमें पाई जाती हैं, हमारे पास पाई जाती हैं किसमें, एगान्था में, किसमें पाई जाती है हमारे पास, ये एगान्था फाइलम में हमारे पास पाई जाती हैं, ठीक है ओके। तो और अगान्था में हमारे पास कौन कौन सी फिशेज़ आती हैं, फटाफट बताओ यार हमारे पास, स्पीड में आंसर दो। चलो लैम्प्रे होती है अगान्था में, यस सर लैम्प्रे तो होती है, टाइम ख़त्म हो चुका है तो मैं आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। अगान्था में हमारे पास लैम्प्रे आती है, ठीक है,
और हमारे पास आती है कौन सी, हैगफिश। कौन सी आती है, हैगफिश हमारे पास इसमें आया करती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। और ज़रा देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। लगभग लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया हमारे पास, बिल्कुल सही दिया है। ओके, ट्वेल्थ का आंसर सी सी सी, ट्वेल्थ का सी 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 सी, यार बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। ठीक है ना, अस्तित्व ने सबसे पहले दिया है, फिर दिया राजेंद्र झा ने, फिर दिया है अंशुमन पांडा ने। किसने दिया है, अंशुमन पांडा ने। फाइनली आंसर आप स्पीड में सही दे दिया है, ठीक है, अंशुमन पांडा, गुड। चलें, अरे बढ़े आगे, मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी। चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। चलें जी, आंसर देंगे स्पीड में। मैं आपके लिए सवाल फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। चलें 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 चलें, बर्ड्स के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बताएं। फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जी हमारे पास जो फिशेज, हमारे पास ये जो एम्फीबियन, हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनके पास फोर चैम्बर्ड होता है, बट रेप्टाइल्स के पास तो थ्री चैम्बर्ड हुआ करता है। ठीक है ना, टू स्पेशल चैम्बर ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, एग्स विद कैल्केरियस सेल, तो ऐसे कैल्केरियस सेल के एग तो मतलब बहुतों में देखने को मिलते हैं, तो एम्फीबियंस में भी देखने को मिला करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो उनके जो पाँव होते हैं, पैर जो होते हैं उनके, हाइंड लिम्ब्स जो हैं, ठीक है ना, उन पे क्या हुआ करते हैं, उनके पाँव पे स्केल्स हमें देखने को मिला करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली रेडियल एंसेस्ट्री का, रेडियल कह रहा हूँ, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्या हो रहा है, जो बेसिकली रेप्टाइल से ट्रांसफर हुआ है। किससे, रेप्टाइल से ट्रांसफर हुआ है, किसमें, एप्स में। ठीक है ना, और क्या है वो, द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन देयर लेग्स, उनके हाइंड लिम्ब्स पे जो ये हैं, ठीक है ना, स्केल्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रेप्टाइल से डेवलप हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए 13 का दिया है किसने, अस्तित्व ने दिया है, वैष्णवी ने दिया है, उमनिया अंसारी ने दिया है। किसने दिया है जी, उमनिया अंसारी ने इसका सही आंसर हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलें, ओके, कुछ बच्चों ने इसका आंसर डी दे रहे हैं, बट डी इसका नहीं आंसर हो नहीं सकता बेटे। ठीक है ना, सो दिस टाइम यू गॉट रॉन्ग। चलें, क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अमंग मैमल्स, इनमें से मैमल्स के अमंग कौन सी चीज कॉमन है। चलें स्पीड में बताएंगे आंसर, बताओ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स, दे डू नॉट मोल्ट, दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, दे आर कार्निवोर्स, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड। चलें स्पीड में आंसर देंगे, टाइम इज अप। टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हो जा रहा है जी, खत्म हो जा रहा है। चलें 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 स्पीड में। यस, 14 का आंसर बच्चों ने दे दिया है, 14 का आंसर हमारे पास सुरेश कांबले ने दिया है, हमारे पास आंसर दिया है अस्तित्व यादव ने, रिद्धि सिद्धि कुमारी ने दिया है, प्रियांशु रंजन ने दिया है, अनन्या महाप्रस्थर ने दिया है, राजेंद्र झा, कृष्णमंशु चौधरी, प्रियांशु रंजन, वैष्णवी दीक्षित, अर्णब विश्वास, खादिजा तुलकुबार, रोहन, श्रेयस कामले, उमनिया अंसारी, सगारिका चौधरी, वैष्णवी दीक्षित, पल्लवी राय, समीक्षा सिंह, इन सब ने आंसर सही दिया है। ठीक है ना, तो द करेक्ट आंसर, यार अर्णब आप आंसर का डी क्यों दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो। अरे मैमल्स के अंदर वेंट्रल नर्व बॉडी तो होती है, ठीक है ना, बैक साइड पे क्या होती है, बैक साइड पे, पोस्टीरियर बैक साइड पे क्या हुआ करती है, नर्व कॉर्ड हुआ करती है। ऑल मैमल्स हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, अक्सर जो मैमल्स हैं वो क्या हुआ करते हैं हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, वो क्या हुआ करते हैं हमारे पास, मतलब वेंट्रल, अच्छा एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैंने सवाल पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी। कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें कॉमन है, ठीक है ना, तो कॉमन ये वाली बात है कि कोई भी मैमल मोल्टिंग नहीं करता, मोल्ट नहीं करता। मोल्टिंग जो फीचर है ये बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिला करता है, तो ये मोल्टिंग ये नहीं करता। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए जो हमारे पास दिया है सबसे पहले, वो सिर्फ एक ही बच्ची आंसर सही दे रही है, और जिसका नाम है क्या, वैष्णवी दीक्षित। क्या नाम है इस बच्ची का, वैष्णवी दीक्षित हमारे पास सही आंसर दे रही है 14 का। नहीं, एक मिनट, 14 का ए आंसर कौन दे रहा है, तुम लोगों ने आंसर डी क्यों दिया यार, इसका डी और बी क्यों दे रहे हो तुम लोग इसका आंसर,
अब श्रेयस कहाँ वाले आए इसका आंसर ए देने के लिए। नहीं 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 14 का आंसर हमारे पास क्या है, 14 का आंसर हमारे पास ए ही है, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन है। क्या है, दे डू नॉट मोल्ट, वो मोल्टिंग शो हमारे पास नहीं किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था, जो सवाल पूछा गया था कि इनमें से, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे समझ नहीं आई वाली बात, तो सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स, मैमल्स के अमंग इनमें से हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन ये है कि हम सब मैमल्स क्या करते हैं, देखो हम सब कार्निवोर्स नहीं, मतलब कह रहे हैं कि दे आर कार्निवोर्स, तो सारे मैमल्स क्या होते हैं कार्निवोर्स, हमारे पास ये नहीं हुआ करते। कुछ कुछ क्या होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स भी होते हैं, क्या भी होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स भी हुआ करते हैं, ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि हमारे पास कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मेजॉरिटी के पास तो क्या है सेवन ही होती हैं, ठीक है ना, बट एलिफेंट्स वगैरह के पास हमारे पास, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनके पास सेवन की जगह देयर मे बी नाइन सर्वाइकल वर्टिब्रेट, क्या हो सकती है हमारे पास नाइन सर्वाइकल वर्टिब्रे भी हो सकती है, तो इस वाली बात का ध्यान रखना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ, कॉमन फीचर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर पूछा गया हमारे पास कि क्या होता है कि जिनके, मतलब क्या सभी के पास क्या होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, नहीं, कुछ के पास क्या हो सकती है, कुछ के पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी हो सकती है, क्या भी हो सकती है जी, सम में हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और जिनके पास क्या होगी, जिनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कॉमन फीचर नहीं है। तो एक कॉमन फीचर क्या आ रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, इसमें बोला गया कि मोल्ट नहीं करते, मोल्ट बेसिकली इंसेक्ट करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, क्या हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बेसिकली मोल्टिंग का प्रोसेस शो करते हैं, कॉकरोच वगैरह मोल्टिंग किया करते हैं, हम मोल्टिंग नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हमारे पास करेक्ट है, और ऑप्शन ए हमारे पास जो दिया है, ऑप्शन ए हमारे पास दिया है किसने, श्रेयस कांबले ने, किसने दिया जी, श्रेयस ने इसका सही आंसर हमारे पास दिया है, ठीक है, पढ़ जाएं, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 15 इज कमिंग, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ रहा है, एंड मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस डिफर फ्रॉम द ऑस्टिक थाइस बाय हैविंग, तो कहता है कि हमारे पास दो फिशेस बता रखी हैं, एक है हमारे पास कौन सी, हमारे पास कार्टिलेज फिश, कौन सी वाली फिश, कार्टिलेज वाली फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और एक है हमारे पास कौन सी, बोनी फिश, क्या हमारे पास बोनी फिश हैं, तो इनमें क्या फ़र्क होता है, चलो अब तो बता ही देते हो हमारे पास, चलो चलो बताओ हमारे पास, स्पीड में, हाँ, मेंबर्स ऑफ द कॉन्ट्रिक थाइस डिफर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ऑस्टिक थाइस बाय हैविंग, हाँ क्या करना है, यस यस यस, ये किस होती हैं, जॉ दोनों में होते हैं, ठीक है, टू सेट्स ऑफ पेयर फिन, ये सब चीज़ें। तो जो मेन जो डिफरेंस है क्या है, जो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे पास ये हैं कॉन्ट्रिक थाइस हैं, क्या है हमारे पास जो कॉन्ट्रिक थाइस हैं, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी सबसे पहले किसने दिया हमारे पास, ऑप्शन सी दिया हमारे पास किसने, अस्तित्व ने, फिर दिया श्रेयस कांबले ने, फिर दिया है सगारिका चौधरी ने, तो इन सब बच्चों ने आंसर क्या करा है हमारे पास, सगारिका चौधरी ने आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या दिया है जी, बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है, बढ़ जाएं आगे, मुश्किल तो नहीं है, चलें क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कमिंग हियर, रेडी, ओके, ये रहा मैच द फॉलोइंग, इनको क्या करेंगे, इनको हम मैच करेंगे, चलें फटाफट, ठीक है, मैं सवाल आपके लिए एक बारी फिर से पढ़ देता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ नीचे, तो आई एम गोइंग टू रीड द सवाल, ठीक है, यू हैव टू आंसर, मैच द फॉलोइंग, एक्सोसिटस रोहू, हमारे पास टैरोफाइलम फाइटिंग फिश, बीटा फ्लाइंग फिश, और लेबियो एंजल फिश, चलें स्पीड में आंसर देंगे, एक्सोसिटस रोहू टैरोफाइलम फाइटिंग फिश बीटा फ्लाइंग फिश लेबियो एंजल फिश, मैच करें, स्पीड में, हाँ यस, कुछ बच्चों ने आंसर सी दिया है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर हमारे पास दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन डी दे रहे हैं कुछ बच्चे हमारे पास,
तो ज़रा देखते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में किस किस बच्चे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अच्छा मेरे पास अभी ऐसा ऑप्शन सी ही चल रहा है यहाँ। अच्छा मेरे पास तो यार बहुत, मैं तो पीछे चल रहा हूँ उससे। ओके आई एम फ्रॉम बरहामपुर। ओके तो हमारे पास जो ऑप्शन सी आ रहा है, एक बार हम ऑप्शन सी को देखते हैं। हमारे पास जो एक्सोसिटस है, क्या है हमारे पास जो एक्सोसिटस है उसको हम कहते हैं क्या, इट इज़ कॉल्ड दी, क्या है हमारे पास, वारा हमारे पास क्या, फ्लाइंग फिश। फिर हमारे पास जो लेबियो है, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लेबियो, वी नो दैट लेबियो को हम कहते हैं क्या, लेबियो एक कॉमन नेम हमारे पास किसका, रोहू का, किसका नाम है हमारे पास, रोहू का। तो जो फोर्थ है हमारे पास वो मैच कर रहा है किससे, हमारे पास ऑप्शन वन से। और जो हमारे पास जो एक्सोसिटस है वो हमारे पास मैच कर रहा है किससे, इससे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं हमारे पास, दो ऑप्शन बच रहे हैं। एक बच रहा है हमारे पास कौन सा, टेरोफाइलम, कौन सा बच रहा है। अच्छा तो देखो हमारे पास कौन से ऑप्शन, सी और डी आ गए हैं। ठीक है फिर से हैंग कर रहा है क्या, नहीं सर अब तो हैंग नहीं कर रहा। ठीक है तो हमारे पास दो बच गए, एक बच्चे हमारे पास टेरोफाइलम और एक बच्चे हमारे पास बीटा। तो हमने क्या करना है, बस हमने इस दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमने याद रखना है। ठीक है तो आप कैसे याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि हम जानते हैं कि बीटा क्या होता है, बीटा इज़ ऑल्सो नोन एज फाइटिंग फिश। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सेक, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्या, सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है हमारे पास थर्ड का सेकेंड, और हमारे पास जो टेरोफाइलम आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, जो टेरोफाइलम आ रहा है वो गई हमारे पास क्या, एंजल फिश। ठीक है तो वन का क्या, वन का थर्ड, वन का क्या आ रहा है हमारे पास, वन का आ रहा है हमारे पास थर्ड, सेकंड का आ रहा है हमारे पास फोर्थ, बी का आ रहा है हमारे पास सेकंड, और इसका आ रहा है फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है थोड़ा सा हैंग कर रहा है यहाँ पर, हाँ सर थोड़ा सा हमारे पास क्या कर रहा है यहाँ पर, हैंग कर जा रहा है। ठीक है चलें खैर कोई बात नहीं, बढ़ें आगे, मुश्किल तो नहीं है। ओके तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास, इसका आंसर सबसे पहले जो हमारे पास दिया था वो किसने दिया था, सबसे पहले इसका आंसर दिया था हमारे पास किसने, 16 आई नो इट इज़ समवट हैंगिंग। ठीक है सबसे पहले 16 का सी दिया था अस्तित्व ने, और फिर दिया था पल्लवी राय ने, किसने दिया था, पल्लवी राय ने इसका आंसर क्या करा है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है जी बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 17 कमिंग एंड इट इज़ हियर। सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमिक हार्ट किस चीज़ को रेफर करता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मैंने जो कल जो मैंने आपसे एक टेस्ट लिया था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल रखा था, याद है मैंने आपसे एक टेस्ट लिया था किसका, बॉडी फ्लूड्स का, किसका टेस्ट लिया था जी, बॉडी फ्लूड्स का मैंने आपसे एक टेस्ट लिया था। तो ये क्वेश्चन बेटे वहाँ से हमारे पास पूछा गया है, चले आंसर बताएंगे क्या होता है सिस्टमिक हार्ट। टाइम इज ऑलमोस्ट अप, टाइम हमारे पास पूरा होने वाला है। ओके सो द टाइम इज अप, हमारे पास हो चुका है। तो क्या बोलता है हमारे पास, ये सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये बेसिकली रेफर करता है क्या, पढ़ा रखी आपको मैंने बात, कि जो हार्ट होता है हमारे पास, ठीक है उसमें नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, नॉर्मल हार्ट में एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मतलब नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। बट इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें सिस्टमिक हार्ट में यहाँ पे क्या करता है, ये रिसीव करता है लेफ्ट एट्रिया किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है और फिर ये घूम के कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में जाता है, कहाँ पे जाता है, ये दिस गोज टू टिश्यूज़ में से घूम के वापस आता है और फिर ऐसे मिल जाता है। ठीक है सो दिस सर्किट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्किट, क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है जी सिस्टमिक सर्किट। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन दी हायर वर्टिब्रे, एंड दिस आंसर इज़ गिवन बाय, सबसे पहले इसका आंसर जो हमारे पास दिया है 17 का डी, वो दिया है श्रेयस कामले ने, फिर दिया अर्णब विश्वास ने, फिर दिया अस्तित्व ने, फिर दिया हमारे पास डी आंसर इसका सगारिका ने, श्रेयस कामले और अंजलि कुमारी ने, किसने दिया है जी, अंजलि कुमारी ने भी इसका सही आंसर बिल्कुल दिया है। ठीक है जी पक्का। ओके क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलें फटाफट कम ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है, नेमाटोडा, राउंड वॉर्म्स, सूडोसिलोमेट्स, कैलकरीन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलोम प्रेजेंट, एक्टिनोडर्माटा, सीलोम प्रेजेंट, बाइलेटरल सिमेट्री, प्लैटियल मेंसिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटी, फ्लैट वॉर्म्स, ए सीलोमेट। चलें फटाफट बताएंगे इसका आंसर। यस टाइम इज अप बच्चों ने आंसर दे दिया, सगारिका ने आंसर ए दिया है, मयंक ने सी दिया है, राजेंद्र झा ने आंसर सी दिया है इसका।
इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो अगेन एक्विनोडर्मेटा पे ही पॉइंटिंग जा रही है। एक्विनोडर्मेटा क्या हुआ करते हैं, हमारे पास बायलेटरल नहीं होते, दे आर रेडियल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री हुआ करती है, रेडियल सिमेट्री हुआ करती है। और ये आंसर सबसे पहले दिया हमारे पास किसने, द नंबर वन इज दी सकारिका चौधरी। फिर दिया किसने, मयंक मिश्रा ने। किसने दिया है जी, मयंक मिश्रा ने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 चले आ जाएं, सवाल नंबर 19 पे स्पीड में 19 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स के ऑर्डर में से कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है, चले स्पीड में। हाँ बताओ यार, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है चलें, अब आपको अगर हॉर्स का साइंटिफिक नेम पता है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, हॉर्स का साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास क्या, इक्वस कैबलस। ठीक है ना, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स। और हम जानते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, हॉर्स बिलोंग्स टू इक्विडी। किसको बिलोंग करता है हमारे पास, ये इक्विडी को ये बिलोंग करा करता है। ये फैमिलीज हुआ करती है हमारे पास कैनेडी वगैरह, ये फैमिली हुआ करती है, कैनेडी इज अ फैमिली ऑफ कैट। ठीक है, तो इक्विडी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, कैबलस इसका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये तो इसका क्या है, हमारे पास स्पीसीज का नाम है। ठीक है जी, पक्का बढ़ जाएँ। सो द करेक्ट आंसर सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वो दिया है हमारे पास, चलें 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 स्पीड में ओके यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड दिस आंसर इज गिवन बाय नंबर वन 1919 का अंजलि कुमारी ने आंसर दिया है ए। किसने दिया है, अंजलि कुमारी ने इसका सही आंसर दिया है, शाबाश अंजलि कुमारी, वेरी गुड। ठीक है जी, बढ़े आगे, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्या करनी है आपने, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। मैं आपके लिए स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूँ, ऑल मैमल्स आर विविपैरस, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, ऑल रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ऑल स्पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम। चलें स्पीड में हाँ, ऑल मैमल्स आर विविपैरस, क्या सभी विविपैरस क्या करा करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, बिल्कुल ठीक ही वाली बात है। ठीक है ना, वो कोई भी हो, कंगारू है कोई भी हो हमारे पास, वो क्या करता है, वो यंग वंस को जन्म देता है, वाली बात तो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑल स्पाइसेस हैव गिल स्लिट्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम, अच्छा ये स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, फिर क्या है कि ऑल रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ये वाली बात भी क्या हमारे पास सही है। ऑल फिशेस, जो ट्रू फिशेस हैं हमारे पास, उनका जो हमारे पास क्या होता है, ऑपरकुलम होता है, और उनका जो गिल स्लिट्स होते हैं दे आर कवर्ड विद दी ऑपरकुलम, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अगर आप इसमें से एगान्था वगैरह को हटा दें तो। ठीक है, और जो बी बात करी गई है, कहता है कि ऑल साइक्लोस्ट्रोम्स, ठीक है साइक्लोस्ट्रोम्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं पेट्रोमाइजोन, ठीक है पेट्रोमाइजोन अगर मैं इसे एग्जांपल लूँगा, तो पेट्रोमाइजोन में हम जानते हैं कि इसके पास क्या हुआ करता है, ये एक पैरासाइट हुआ करता है। ठीक है, इसका टर्मिनल माउथ होता है और इसके पास जॉज नहीं होते। ठीक है ना, ठीक है जी, डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिंसेस। ठीक है जी, हाँ या ना, बढ़ जाए आगे। तो इनमें से हमारे पास क्या है, इनमें से हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी, हमारे पास द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। ठीक है ना, बी हमारे पास क्या है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है, पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या आंसर हमारे पास आ रहा है, पुलकित अग्रवाल ये कह रहे हैं सर हमारे पास चैंपियन बैच कब स्टार्ट होगा, तो बेटे बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा यार एक मिनट, एक बच्चा यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है। ठीक है ना, मैं एक वाली चीज़ बता दूँ आपको। ठीक है, एक मिनट, बच्चों को लगता है कि वाली चीज़ थोड़ी समझ में इनसे दिक्कत हो गई है, तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, मैं आपको वाली चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, पूछा गया था, ओके नहीं गलत नहीं है, ठीक है सॉरी सर रॉन्ग नहीं, श्रेयस गलत नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो, देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, सारे करेक्ट नहीं है, रुक जाइए, मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, मेरे से भी गलती हो गई और बच्चों ने भी गलत आंसर पढ़ के दे दिया। ठीक है ना, तो सुनेंगे मेरी बात को। तो कहता है कि ऑल मेंबर्स आर विविपैरस, नो ऑल मेंबर्स आर नॉट विविपैरस। ठीक है, अगर आप प्लैटिपस को देखेंगे, इसको देखेंगे, अगर आप प्लैटिपस को देखेंगे या इकिडना को देखेंगे,
सो दे ले एग्स, क्या करते हैं, एग को ले करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, पक्का, ओके. इसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास ऑल पाइसिस हैव गिल्स, गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम. ये वाली बात भी क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास के ऑपरकुलम सभी के पास नहीं हुआ करता. सकारिका, मैं वाली बात दोबारा इस पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको. ठीक है जी, सभी के पास नहीं हुआ करता. हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं कौन से, कॉन्टेक्ट थाइज आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती. ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट. ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सेप्शन है. कौन सा, इसमें हमारे पास एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल. कौन सा हमारे पास, क्रोकोडाइल. ठीक है, इट हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट. सही है जी, पक्का. तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे पास रॉन्ग हो रही हैं. सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी, दैट ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज. इनके पास जॉज नहीं हुआ करते एंड पेड फिंस. तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है, और देखते हैं ऑप्शन बी सबसे पहले हमारे पास किसने दिया है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ऑप्शन बी एक्चुअली यहाँ पे लैग भी कर रहा है, तो ये वाली बात थोड़ी सी यहाँ से बीच में समझने में दिक्कत हो गई. ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी 20th का ऑप्शन बी सबसे पहले हमारे पास दिया है किसने, अर्णब विश्वास ने. ठीक है, और दिया है वसंत कुमार ने. किसने दिया है जी, वसंत कुमार ने इसका सही आंसर अब सबसे पहले हमारे पास दिया है. शाबाश वसंत, वेरी गुड. ठीक है, चलें जी, मुश्किल तो नहीं है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो रहा है. आप लोग जुड़े रहिए अन अकेडमी जस्ट नीट के साथ, वेयर यू लर्न एंड इवेल्यूएट विद कंसेप्ट एंड क्वेश्चन. बढ़ते हैं आगे, और लास्ट में थोड़े से जाते जाते अनाउंसमेंट, दैट संडे को मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ एक लाइव क्लास लेकर, स्पेशल क्लास लेकर. फॉर दैट यू विल नीड एन अकेडमी लर्निंग ऐप. आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, अपने फ़ोन इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद, लॉग इन करने के बाद, यू हैव टू गो टू द प्लस पार्ट, एंड प्लस में अपना कोर्स चूज़ करेंगे. कोर्स चूज़ करने के बाद आपका कोर्स कौन सा आ रहा है, नीट का कोर्स आ रहा है आपके पास. नीट के बाद हमारे पास आ जाए कौन सा, यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इनमें से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स प्लान. ठीक है ना, बट कोई भी प्लान चूज़ करें. ठीक है ना, कीप दिस कोड. ठीक है ना, आप इस कोड को ज़रूर पुट करें. वाई, बिकॉज ये कोड पुट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू पुट दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी एनी प्रोग्राम दैट यू गेट. ओके, तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, सबसे बेस्ट टीचर्स के थ्रू. ओके, ठीक है जी, आया ना. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो रहा है. ठीक है बेटे, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें फॉलो करें जस्ट नीट लाइव डेली पर. ठीक है, where you learn and evaluate at the same time. Tab tak ke liye all the best, like the video, bye bye.